ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ कोमल सिंह। हॉटस्पॉट क्षेत्र का उपजिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक द्वारा किया गया सघन पैदल मार्च एवं लोगों को किया जागरूक। जनपद औरैया के बिधुना थाना अंतर्गत कस्बे में आज उपजिलाधिकारी श्री राशिद अली खान, पुलिस उपाधीक्षक श्री मुकेश प्रताप सिंह एवं थाना कोतवाली प्रभारी विनोद शुक्ला ने भारी पुलिस बल के साथ हॉटस्पॉट क्षेत्रों का सघन निरीक्षण किया। उन्होंने नगर निवासियों को कोरोना संक्रमण के संबंध में जागरूक किया एवं चिन्हित गए हॉटस्पॉट क्षेत्रों का कड़ाई से दिशा निर्देश पालन करने की लोगों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने फिडर रोड स्थित व्यापारियों को अतिक्रमण न करने की चेतावनी देते हुए अपने अपने प्रतिष्ठान नाली के अंदर ही लगाने का दिशा निर्देश दिया। कुछ दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने पर उनका चालान किया गया। प्राइम न्यूज 24 के लिए राहुल प्रजापति, ब्यूरो चीफ औरैया की रिपोर्ट। हॉटस्पॉट 5 दिन हो गए हैं, इसमें कुछ राहत या कोई चीज़ ऐसा कुछ हुआ है क्या? हॉटस्पॉट 14 दिन के लिए मतलब लागू हो चुके हैं और 100 मीटर की रेडियस में इसको हम लोग सील करते हैं, हॉटस्पॉट सिर्फ क्षेत्र घोषित करते हैं। अभी आप लोगों के सामने हमने पूरा चेक किया है, कहीं कोई दुकान नहीं खुली है, ठीक है। सारी बल्लियाँ लगी हुई है, पोर्ट लगे हुए हैं, कहीं कोई दुकान खुली नहीं है। एक दो समस्याएँ यहाँ आती हैं कि कुछ दुकानदार का दुकान भी वही है, रास्ता भी वही है, मकान भी वही है। वो लोग उसी दुकान को खोल के घर के अंदर जाते हैं, फिर घर के अंदर से बाहर आते हैं, क्योंकि उनके अलग से कोई सीढ़ी नहीं है। दुकान से ही घर में जाते हैं, घर से वो आते हैं। अगर दूध और कुछ चीज़ लेना हुआ उनको तो उसी से बाहर आते हैं, और बाहर आकर के उनको होम डिलीवरी के माध्यम से सामान उपलब्ध कराया जाता है, वो लेके अंदर चले जाते हैं। बाकी ऐसी कोई भी दुकानें आपके सामने हमने पूरा निरीक्षण किया, कोई दुकानें हॉट स्पॉट एरिया में खुली नहीं है।